देख रहे हैं डार्क फाइल्स, तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। शाम को ऑफिस से छुट्टी होने ही वाली थी कि अकबर का फोन आया। बेहद घबराया हुआ था और उसके आवाज से लग रहा था कि वो बेहद परेशान है। वो एक लाइन में बोला, बैनर्जी दा, बहुत मुसीबत में पड़ गया हूँ, आ सकते हो क्या? फातिमा, उसकी बीवी की तबीयत ठीक नहीं थी और उसकी लॉकडाउन में नौकरी भी नहीं रही, शायद कुछ ज्यादा ही परेशान हो गया था। घर आकर एक कप गरम चाय ले सोचने लगा कि आखिर क्या लेकर जाना चाहिए। अलमारी में आपात समय के लिए रखे हुए पैसों को गिना, तकरीबन 6,000 से थोड़े ज्यादा थे। पैसे जेब के हवाले किए और एक जैकेट पहनकर बाहर निकल आया। सर्दियों की शुरुआत, शाम का समय, ट्रेन से पहुंचते हुए रात हो जाएगी, ये सब सोचकर अंजना जैसे ही जैकेट पहना था, पर थोड़ी देर में लगा जैसे बहुत ठीक ही किया। कुछ फल सब्जियां वगैरह ले लिया और स्टेशन आ गया। ट्रेन तकरीबन 1 घंटा लेट थी। थोड़ी देर में हल्की सी बारिश शुरू हो गई। बारिश में जैसे अंधेरा बहुत ही गहरा और रहस्यमयी हो रहा था। दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज निर्जनता में एक डर का मिश्रण घोल रही थी। एक ओर कोरोना का प्रकोप, दूसरी ओर किसी एक्सप्रेस ट्रेन का समय ना होना। एक ऐसा संयोग था कि स्टेशन में बहुत कम लोग ही थे। ऊपर से सोने पे सुहागा ये बारिश। थोड़ी देर बैठने के बाद जब ट्रेन आई तो सामने वाले डिब्बे में चढ़ गया। डिब्बा ज्यादा भरा नहीं था, थोड़े लोग थे जो धीरे धीरे अगले 2-3 स्टेशनों में उतर गए। मैं अपनी सीट पर बैठकर सोच रहा था कि अगर ट्रेन ठीक से चले तो 12 बजे तक मैं बलरामपुर पहुंच ही जाऊंगा। बलरामपुर एक छोटा सा शहर, बड़े शहरों से अलग, बिल्कुल शांत। अकबर ने यहाँ मकान लिया था क्योंकि ये उसके ऑफिस के बेहद करीब था, आने जाने में समय नहीं लगता था। दिन भर की थकान, बारिश की फुहार, ठंडी हवाएं मिलकर आंखों की पलकों को खोलने रखने में काफी मशक्कत करना पड़ रहा था। समय देखा तो 11:35 हो रहे थे और आधा घंटा। अगर सो गया तो शायद नींद ही ना खुले बलरामपुर में, सोचकर वहीं बोगी में ही चहलकदमी करने लगा। ये क्या, मैं बिल्कुल अकेला ही था बोगी में। तभी नजर पड़ी उस इंसान पर। दुबला पतला सा लगता था, जैसे बांस पर किसी ने ब्रांडेड कपड़े टांगे हो। गेट पर बामुश्किल एक हाथ से हैंडल पकड़े लटके, ठंडी हवा और बारिश का मजा लेते हुए। तभी मैंने कहा, क्या बात है, इस तरह से लटके क्यों हो? हाथ छूट गया तो जान जाएगी। वो मेरी ओर घूमा, आंखों में शराब की लालिमा साफ दिख रही थी, गले में मोटे सोने की माला, अंगूठियां और ब्रेसलेट, सभी सोने की चीजें मिलाकर तकरीबन 4-5 तोला। तभी उसने कहा, क्या मुझसे बोल रहे हो क्या? मैं घबराया और अपनी भाषा पर शांति की मुहर लगाते हुए धीरे से बोला, जी हाँ, थोड़ा ध्यान रखिए, गिर सकते हैं। तभी एकाएक गाड़ी में झटका लगा और वो संभलने की कोशिश करते हुए नीचे पटरियों पर जा गिरा। मैं दौड़ा चैन खींचने, तभी दूसरी पटरी से एक तेज गति से ट्रेन निकल गई। मैं बिल्कुल घबरा कर वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। तभी देखा ट्रेन बलरामपुर स्टेशन में घुस रही है। बहुत भारी मन से मैं उतर गया। बाहर आकर देखा सारा इलाका खाली, कोई रिक्शा नहीं। खैर, वहां से अकबर का मकान ज्यादा दूर नहीं था, पैदल ही चल पड़ा। बारिश हल्की हो गई थी पर हवा तेज थी। आधी रात बीत गई थी, चारों तरफ अजीब किस्मों की आवाजें आ रही थी, कुत्तों के रोने की आवाज, पत्तों की सरसराहट, सारी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब से दर्द का आभास करा रही थी। किसी तरह भागते दौड़ते अकबर के घर पहुंच गया।
वो इंतजार में दरवाजे पर ही खड़ा था। अंदर पहुंचा तो उसने सबसे पहले एक टॉवल दिया। जब तक मैं सर पहुंचता, वो गरम चाय ले आया। साथ बैठे तो वो टूट गया और परिवार की सारी कहानी बता दी। जरूरत के वक्त पर कैसे सब ने उसका साथ छोड़ दिया, अपने घर वालों ने, ससुराल वालों ने, सब ने। मैंने उसे फल सब्जियां वगैरह जो मैं लाया था दिया और जेब में से हाथ डाल सारे पैसे दे दिए। पैसे निकालते वक्त उस जेब में कुछ असहज सा लगा। उस वक्त मैं अपनी धुन में था, इसलिए कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पाया। रात में जब सो गए सब लोग, तब मुझे याद आया कि मेरे जेब में कुछ था। हाथ डालते ही सारा शरीर डर से सिहर उठा। निकाला तो वो उसी आदमी का ब्रेसलेट था जिसकी ट्रेन से गिरकर मौत हो गई थी। मैं अपने दिमाग को दौड़ाने लगा कि आखिर वो मेरी जेब में आया कैसे। फिर याद आया कि जब ट्रेन से उसे झटका लगा था, तब उसने और मैंने एकदम से एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश की थी। शायद उसी समय ये ब्रेसलेट मेरे हाथ में आ गया होगा और अनमने भाव से मैंने खुद के जेब में ही रख लिया होगा। सारे दिन की थकान के कारण कब सो गया मालूम ही नहीं पड़ा। एकाएक मुझे अपने कमरे के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो देखा वही ट्रेन वाला खड़ा है। गर्दन एक तरफ लटकी हुई थी, खून से लथपथ हाथ की अंगूठियों की माला और एक बंडल 500 के नोट लिए। मैं एकदम से अकबका कर खड़ा हो गया। तभी उसने कहा, अगर आपको यही चाहिए तो ले लेते, मुझे मार कर गिराने की क्या जरूरत थी। मेरी तो हक्की बक्की बंद हो गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं और क्या करूं। तभी मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं जोर से चीखा तो तुम्हें बचाने ही गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस पर वो अब क्या प्रतिक्रिया देगा, मगर तभी वो मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अभी मेरे साथ क्या हुआ। उस पूरी रात मैं सो नहीं पाया। अगली सुबह उठकर नीचे आया तो अकबर नाश्ता बना रहा था। वो थोड़ा सामान्य था, बोला फातिमा कल से बेहतर है, उठकर बैठी भी थी। हमने एक साथ नाश्ता किया, चाय पी, फिर मैं ट्रेन पकड़ने के लिए निकल पड़ा। ट्रेन समय पर थी। जैसे ही मैं उस जगह के करीब पहुंचा जहां वो आदमी गिरा था, मैंने जेब से निकालकर वो ब्रेसलेट दूर फेंक दिया और दोनों हाथ जोड़कर मैंने खुद को, या फिर उस आदमी को ही हाथ जोड़कर मैंने ये कहा, मैंने तो तुम्हें बचाने की कोशिश की थी पर मैं उसमें कामयाब नहीं हो सका, मुझे माफ कर देना। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रात के तकरीबन 12:45 बजे जब मेरी आंख खुली तो बस अभी भी चल ही रही थी। वक्त को देखते हुए खुद को अभी भी बस में पाकर मेरा दिमाग घूम गया। मैंने एक दफा अपनी निगाहों को बस में चारों तरफ घुमाया, मगर मेरे अलावा दूसरा कोई पैसेंजर बस में मौजूद ही नहीं था। खैर, मैं चलकर बस के सामने की ओर ड्राइवर और कंडक्टर के पास गया और कंडक्टर पर चिल्लाते हुए बोला, कैसे बस चला रहे हो तुम लोग? कृष्णागढ़ अभी तक नहीं आया? मैं 4 घंटे से बस में बैठा हूँ, तुमने तो कहा था 2 घंटे का रास्ता है। इस पर कंडक्टर बोला, भाई साहब, रास्ता 2 घंटे का ही है। आप जब सो रहे थे तब एक बार रास्ते में हमारी बस खराब हो गई थी, इसलिए इतना वक्त लग गया। तभी मैंने बोला, देखो बहाने मत बनाओ, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूं। मेरे इतना बोलते ही हम तीनों के बीच बहस चालू हो गई। इससे पहले कि बहस बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक आ जाए, तभी कंडक्टर बोला, एक मिनट, देखिए साहब, हम आपको कृष्णागढ़ तक पहुंचा देंगे पर डबल भाड़ा लगेगा,
वरना आप यहीं पर उतर सकते हैं। ये सुनकर तो मेरा पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया, मगर मैंने खुद को काबू किया क्योंकि वो दो लोग थे और मैं अकेला, इसलिए मैंने खुद को कंट्रोल करते हुए कंडक्टर से कहा, कोई जरूरत नहीं है, मुझे यहीं उतार दो। जिसके बाद बस रुकी और मैं अपना बोरिया बिस्तरा लेकर बस से नीचे उतर गया। मेरे उतरते ही बस वहां से चली गई। कृष्णागढ़ गांव किस तरफ है और कितनी दूर है मुझे कुछ पता नहीं था, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में पहली और आखिरी बार इस रास्ते पर आया था। मेरे अलावा उस रास्ते पर भी और कोई नहीं था। खामोशी और अंधेरे ने उस पूरे रास्ते को ऐसे जकड़ कर रखा था जैसे वो रास्ता इस दुनिया में ही ना होकर कहीं और हो। रास्ते पर स्ट्रीट लाइट तो थे, मगर बहुत दूर दूर पर, जिस वजह से रोड तक आधी अधूरी रोशनी ही पहुंच पा रही थी। खैर, वहां तो कोई इंसान नहीं था, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा आगे चलकर ही देख लेता हूं, अगर कोई मिल जाए तो अच्छा रहेगा। ये सोचकर मैं आगे की ओर चल पड़ा, मगर उस वीरान रास्ते पर दूर दूर तक मुझे कोई नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ सन्नाटा और खामोशी। चलते चलते सामने की ओर एक स्ट्रीट लाइट के नीचे मुझे एक चबूतरा जैसा कुछ बना हुआ दिखा। मैंने सोचा थोड़ी देर वहीं बैठकर आराम करूंगा, फिर आगे का बाद में देखा जाएगा। इसी इरादे से मैं उस चबूतरे की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते मैं जब उस चबूतरे के पास पहुंचा तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि अब उस चबूतरे के ऊपर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। मगर मैंने जब दूर से इस चबूतरे को देखा था तब तो यहाँ कोई नहीं था, तो फिर ये बूढ़ा आदमी कहाँ से और कब आ गया? खैर, मुझे थोड़ा अच्छा भी लगा, कम से कम अब मैं इस बूढ़े आदमी से पूछ सकता हूँ कि कृष्णागढ़ गांव कितनी दूर है। ये सोचकर मैं उस बुजुर्ग आदमी के पास गया और बोला, चाचा, ये कृष्णागढ़ गांव कितनी दूर होगा आपको पता है क्या? इस पर उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, वो जगह वहां तो मैं भी जा रहा हूँ, मगर पैदल बहुत दूर पड़ेगा, इसलिए मैं चलकर यहीं पर बैठ गया। उस बुजुर्ग आदमी से ये सुनकर मैं भी उनके बगल में ही बैठ गया और थोड़ी देर सुस्ताने के बाद मैंने उस आदमी से कहा, तो फिर अब कैसे पहुंच सकते हैं कृष्णागढ़? इस पर बुजुर्ग आदमी बोला, अब पैदल चलना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है, चलो। इतना बोलकर वो बूढ़ा आदमी अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उस आदमी के साथ ही साथ मैं भी उठा और हम दोनों आगे की ओर चलने लगे। अभी हम दोनों चल ही रहे थे कि तभी उस बुजुर्ग आदमी ने मेरे से कहा, तुम्हें रात में ऐसे चलते हुए डर नहीं लगता? जिस पर मैंने कहा, डर लगता है, चोर डकैतों से डर लगता है। फिर बुजुर्ग आदमी बोला, भूतों से डर नहीं लगता? तो मैंने कहा, नहीं, मैं ना तो भूतों को मानता हूँ और ना ही डरता हूँ। अब हम दोनों को चलते हुए काफी वक्त हो चला था। जहां इतनी देर से चलकर मैं थककर चूर हो चुका था, वहीं वो बूढ़ा आदमी बिना किसी रुकावट के चले ही जा रहा था। मुझे काफी हैरानी हुई और थोड़ी शर्म भी आने लगी, ये सोचकर कि एक बूढ़ा आदमी मुझसे आगे निकल जा रहा है और मैं एक हट्टा कट्टा जवान होकर भी नहीं चल पा रहा। मानो उस बुजुर्ग आदमी का शरीर लोहे का बना हो जो कभी थकता ही नहीं है। बुजुर्ग आदमी आगे आगे और मैं उसके पीछे पीछे अभी चल ही रहा था कि ठीक हमारे पीछे की ओर से किसी गाड़ी के हेडलाइट की रोशनी हम दोनों पर पड़ी। मैंने मुड़कर पीछे देखा तो एक कार हमारी तरफ चलते हुए आ रही थी। उस कार को देखकर पता नहीं क्यों मेरी थकान और ज्यादा बढ़ गई। तभी उस बुजुर्ग आदमी ने मुझसे कहा,
कैसे भी करके इस गाड़ी को रोको तो हम लोग वहां पहुंच जाएंगे। इस पर मैंने जवाब दिया, कोई नहीं रुकेगा चाचा, आजकल कोई किसी पर विश्वास नहीं करता। मैंने इतना कहा ही था कि तभी वो कार चलते हुए ठीक हम दोनों के पास आकर रुकी। मेरी बात उल्टी साबित हो चुकी थी। इतने में ही कार के ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट की खिड़की खुली और अंदर से आवाज आई, बैठ जाओ, हम भी वहीं जा रहे हैं जहां तुम लोग जा रहे हो। इस पर मैंने हैरान होते हुए पूछा, आप लोग भी कृष्णागढ़ जा रहे हैं? तो कार के अंदर से आवाज आई, हाँ वहीं। ये सुनते ही मैंने गाड़ी के पीछे वाली सीट का दरवाजा खोला और हम दोनों, यानी मैं और वो बूढ़ा आदमी, हम दोनों कार के पीछे बैठ गए और हम दोनों के बैठते ही कार भी चल पड़ी। कार के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था, इतना कि मैं अपने बगल में बैठे उस बुजुर्ग आदमी को भी नहीं देख पा रहा था। सामने की दोनों सीटों पर कोई बैठा हुआ है, बस इतना ही नजर आ रहा था। कार के अंदर एकदम खामोशी छाई हुई थी क्योंकि कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। तभी मैंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, वैसे आप लोग इस रास्ते पर कहाँ जा रहे हैं? तभी सामने से आवाज आई, मैं एक डॉक्टर हूँ और ये मेरा ड्राइवर, हम एक जगह पर गए थे पेशेंट देखने, वहीं से आ रहे हैं। इस पर मैंने कहा, अच्छा वैसे आप लोग कृष्णागढ़ में कहाँ रहते हैं? इस पर उस डॉक्टर ने थोड़ा खिसियाते हुए जवाब दिया, आपको इतना जानने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठे रहिए। ये सुनकर मैं एकदम से चुप हो गया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं ये भी उस कंडक्टर की तरह मुझे गाड़ी से उतार ना दे। अगर इसने भी मुझे उतार दिया तो मैं क्या करूंगा, ये सोचकर ही मैं शांत हो गया। अभी कार चल ही रही थी कि तभी मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि कार अभी जिस रास्ते पर चल रही है, हम लोग उस रास्ते को पहले भी पार कर चुके हैं। हालांकि इस बात पर मुझे पूरा यकीन नहीं था, मगर पता नहीं क्यों बार बार मुझे ऐसा लग रहा था। और साथ ही साथ मुझे एक अजीब किस्म की घुटन सी महसूस होने लगी थी। ये सब मेरे साथ पहली बार हो रहा था। और एक बात जो मैंने नोटिस की, कार की रफ्तार अब काफी बढ़ चुकी थी, यहाँ तक कि बाहर की चीजें भी रफ्तार की वजह से साफ तौर पर नहीं दिख रही थीं। लिहाजा मैंने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर साहब हमें कोई जल्दी नहीं है, आप गाड़ी धीरे भी चला सकते हैं। इस पर ड्राइवर के बगल में बैठे डॉक्टर ने कहा, आपको जल्दी नहीं है मगर हमें तो है। तभी मैंने कहा, पर फिर भी इतनी तेज गाड़ी चलाना ठीक नहीं है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो डॉक्टर ने कहा, एक्सीडेंट हमारा तो पहले ही हो चुका है, अब तुम्हारा होगा। इतना बोलकर ही डॉक्टर मेरी ओर पलटा तो अंधेरे की वजह से उसका चेहरा तो नहीं दिखा, मगर उसकी आंखें एकदम लाल चमक रही थीं। इतने में ही ड्राइवर ने भी मेरी ओर देखा तो उसकी भी आंखें पूरी लाल चमक रही थीं। ये देखकर मुझे समझते देर नहीं लगी कि ड्राइवर और डॉक्टर वो दोनों कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ और ही हैं, जिनकी गिनती इंसानों में नहीं होती। अभी मैं ये सब देखकर डर से कांप ही रहा था कि तभी इतनी देर से चुप बैठे उस बुजुर्ग आदमी ने उन दोनों से कहा, तुम लोग गाड़ी रोकते हो या चखाओ मजा? उस बुजुर्ग आदमी के मुंह से ये सुनकर मुझे काफी हैरानी हुई। क्या उस बुजुर्ग आदमी को उन दोनों भूतों से डर नहीं लग रहा जो उसने ऐसा कहा? बुजुर्ग आदमी के मजा चखाने वाली बात पर ना तो डॉक्टर ने कुछ कहा और ना ही उसके ड्राइवर ने। इतने में ही उस बुजुर्ग आदमी ने मुझसे कहा, तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा, इनसे मेरा सामना रोज होता है। इतना बोलकर ही उस बुजुर्ग आदमी ने अपना लंबा हाथ बढ़ाकर रास्ते के किनारे एक पेड़ को पकड़ लिया
उस बुजुर्ग आदमी का इतना लंबा हाथ देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि उसके पेड़ पकड़ते ही गाड़ी भी रुक गई, जिसके साथ ही बुजुर्ग आदमी बोला, जल्दी भाग जाओ। उसके इतना बोलते ही मैं गाड़ी से निकलकर वहां से भाग गया, जिसके बाद मुझे पता चला कि उस रास्ते पर डॉक्टर की एक कार का एक्सीडेंट हो गया था, मगर वो बूढ़ा आदमी कौन था ये आज तक पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।